हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे अरबी की रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी। जो आप खाएंगे और अपने दोस्तों को खिलाइएगा तो वो रेस्टोरेंट की भी सब्जी को भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सब्जी बनाना। तो यहाँ पर मैंने कच्ची अरबी ली है, जिसे मैंने छीलकर और धोकर इस शेप में काट लिया था। आप चाहें तो जिस शेप में आपको काटना हो उस शेप में काट सकते हैं। और अब हम इसमें मिला देते हैं कुछ मसाले। थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम अपना नमक। और इन सब को हम अरबी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि ये मसाला है एक एक अरबी पे अच्छे से लग जाए। देखिए ये मसाला अच्छे से इसमें लग गया है। और अब हम इसे कर लेते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है और इसमें अब हम अपनी जो अरबी है मसाला कोट की हुई उनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो इन्हें आप मीडियम आंच पर धीरे धीरे फ्राई कीजिएगा। और ये देखिए जी, जब तक ये गोल्डन हो जाएंगी तब फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। और ऐसा करने से जो हमारी अरबी है वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी। तो हमारी अरबी रेडी है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में मैं अब अरबी की ग्रेवी बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम मसाले कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज, अदरक और लहसुन है, इनका हम एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट बना लिया है और अब हम बनाने लगते हैं अपनी ग्रेवी। तो उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है और ऑयल को होने देंगे अब हम गरम। जब ऑयल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा फिर इसमें डाल देंगे हम जीरे, थोड़ी सी अजवाइन, अजवाइन बहुत ज़रूरी है अरबी के लिए, और इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग। और जो हमने अपनी पेस्ट बनाया हुआ था उसको भी अब हम डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कच्चापन है वो ना निकल जाए। और अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ जो तेज पत्ते हैं उनको, इनसे जो मेरी सब्जी का टेस्ट है वो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ मेरी प्याज भुंज गई है और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, धनिया 2 चम्मच डाल देंगे इसमें। और अब इसमें डाल दूंगी हल्दी और इन मसालों को भी इसमें मैं अच्छे से भूंज लेती हूँ। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पर हमें टमाटर को भी अच्छे से पका लेना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ने लगे। तो आप देखिए ये टमाटर जो है हमारा है वो भी भुंज गया। अब इसमें डाल देती हूँ दही। यहाँ मैंने ताज़ा दही यूज किया है और अब इसमें दही डालेंगे। दही को हम बराबर चलाते रहेंगे। दही को आप डाल के छोड़ मत दीजिएगा, अगर ऐसा करेंगे तो आपका जो कि दही फट जाएगा। तो आप दही को बराबर चलाते रहिए। दही को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि यहाँ से साइड से बबल से ना दिखने लगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दही अब एकदम सेट हो गया है मसालों के साथ। और अब हम इसको थोड़ी देर ढककर पका लेते हैं। तो ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हमारा मसाला भी अच्छे से पका है। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर दिख रहा है। और अब इसमें डाल देते हैं हम अपनी फ्राई की हुई अरबियों को। और इनको भी हम अच्छे से इसमें से कोट कर लेते हैं, जिससे कि ये मसाला अरबियों में अच्छे से लग जाए। और अब हम मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक। नमक हम पहले भी अरबी में डाल चुके हैं और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। और पानी डालने के बाद इसको मैं 5 से 6 मिनट और पकाऊँगी, जिससे जो हमारी अरबी है और सॉफ्ट हो जाए। पहले ही सॉफ्ट हो गई है, बस उन्हें पकना ही है बस। तो देखिए हमारी सब्जी एकदम रेडी हो गई है, कितनी सुंदर लग रही है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी।
तो लीजिए तैयार है हमारी अरबी की रेस्टोरेंट स्टाइल अरबी करी। तो दोस्तों कैसी लगी ये रेसिपी? बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे घर में बना सकते हैं। अरबी की वही सब्जी खा खा के हो जाते हैं हम बोर, तो क्यों ना दिया जाए अरबियों को नया टच। तो अच्छी रेसिपी अच्छी लगी हो तो दोस्तों फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए थैंक यू।